Hello students, today I am going to explain the chemical properties of haloalkane. Haloalkane का chemical properties के बारे में हम बताएंगे इस lecture में. इससे पहले properties मैंने physical properties बताया था, preparation बोला था, types of haloalkane बोला था. अभी हम बताएंगे chemical properties of haloalkane which is most important. This is chemical properties of haloalkane. जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं तो उसमें हेलोएल्केन का रिएक्शन के बारे में बताना पड़ता है. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय द हेलोएल्केन्स. पहला वाला जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय हेलोएल्केन. सेकेंड में आ रहा है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. थर्ड आ रहा है रिएक्शन विथ मेटल्स. एंड फोर्थ में आ रहा है रिडक्शन. ये जो चार रिएक्शन है, ऑल फोर रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम किसी को बताते हैं दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएल्केन में सबसे ज्यादा होता है. कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे. चलो लेक्चर को आगे लेके चलते हैं. आज के लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम बताएंगे. द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज जनरली ऑब्जर्व बाय द हेलोएल्केन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है इसके बारे में हम बताएंगे. दिस इज द हेडिंग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो अभी हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है. पहला बात है, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, देन इट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सपोज आई हैव आर एक्स. आर इज द एल्काइल ग्रुप एंड एक्स इज द हैलोजन. And I am taking Z minus. What is this? This is simply Nu minus. Nu minus matlab nucleophile. And from this reaction, we are getting Rz and X minus. इसको nucleophilic substitution क्यों कहते हैं ना? ये जो halide है, that halide is going to replaced by the nucleophile Z minus, and that's why we are getting Rz. And as a byproduct, we are getting the halide ion, X minus. तो इधर ये halogen nucleophile से substitute हो रहे हैं, इसीलिए इस reaction का नाम है nucleophilic substitution reaction. अभी बात है कि haloalkane सबसे ज्यादा nucleophilic substitution reaction क्यों form करता है. This is very important, which we have to keep in mind. मैंने पहले chemical properties में, मेरा last lecture video में तुम जाके देख सकते हो, लेक्चर नंबर 6 में मैंने बताया था कि ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है हेलोएल्केन में, दैट बॉन्ड इज पोलर इन नेचर. दिस कार्बन इज डेल प्लस एंड दिस एक्स हैलोजन इज डेल माइनस. सो व्हेन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज गोइंग टू रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल, दैट न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक दिस पॉजिटिव कार्बन. तो जब ये पॉजिटिव कार्बन न्यूक्लियोफाइल को मिल जाता है तब ये न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करता है और ये जो हैलाइड है ये हैलाइड सिस्टम से निकल जाता है. एंड फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, सपोज सी एंड एनयू, और बाय प्रोडक्ट में एक्स माइनस मिल जाता है. दिस इज अ पाथवे. इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे कैसे होता है, व्हाट इज अ मैकेनिज्म. इसके लिए हम कुछ दूसरे एक लेक्चर वीडियो बनाएंगे. तो मैकेनिज्म कैसे होता है, जस्ट एक ओवरव्यू मैंने इसमें प्रोवाइड किया कि ये पोलर कंपाउंड है, कार्बन इज पॉजिटिव तो न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस कार्बन को हीट करता है, हैलाइड निकल जाता है. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो सबसे ज्यादा हेलोएल्केन में होता है. अभी बात है कि कब ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा होगा, दैट वी शुड रिमेंबर. इसमें एक बात बहुत बड़ी चीज है, ये जो न्यूक्लियोफाइल जो हेलोएल्केन के साथ रिएक्ट हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल को हैलाइड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा. जब न्यूक्लियोफाइल हैलाइड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है तब जाके सब्स्टिट्यूशन होता है, नहीं तो नहीं.
मतलब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इज वीकर देन द हैलाइड आयन देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्टिकुलर हेलो एल्किन बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऑल हैलाइड्स आर नॉर्मली वीक ग्रुप तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल इसको सब्स्टिट्यूट कर पाता है. मैं फिर से बता रहा हूं कि जब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर होता है तब ये हैलाइड जो है जिसको हम कहते हैं लिविंग ग्रुप ये लिविंग ग्रुप आराम से निकल जाता है और उसके प्रपोजिशन में न्यूक्लियोफाइल आ जाता है. अगर ऐसा हुआ कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो हैलाइड से वीकर है तो कभी भी ये सब्स्टिट्यूशन होने वाला नहीं है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मल केस में जो दिखाई देता है नॉर्मली न्यूक्लियोफाइल हैलाइड आयन से स्ट्रॉन्गर होता है तो आसानी से हैलो एल्किन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है. अभी अगर हम ऐसे कुछ ऑर्डर बताएंगे कि कौन सा हैलाइड सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है तो इसका जो ऑर्डर है आर आई ग्रेटर देन आर बी आर ग्रेटर देन आर सी एल एंड ग्रेटर देन आर एफ. ठीक है, सबसे अच्छा होता है आर आई का और सबसे बुरा होता है आर एफ का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर है. ठीक है, कि किस ऑर्डर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा. आर आई का जो मेन बात है इसमें कार्बन आयोडीन बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ा होता है तो आसानी से इस बॉन्ड को हम ब्रेक करके आयोडीन के प्लेस में न्यूक्लियोफाइल ला सकते हैं. मेरा बात को बहुत अच्छी तरह से सुनना, इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो आयोडीन है कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज लॉन्गर तो आराम से हम इसको तोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आर एफ द कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट तो इस बॉन्ड को ब्रेक करके न्यूक्लियोफाइल को लेके आना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. तो इसीलिए नॉर्मल कंडीशन में एल्काइल फ्लोराइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन. अगर एल्काइल फ्लोराइड है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो ऑर्डिनरी कंडीशन में कभी भी ये रिएक्शन नहीं होगा. मतलब आरआई में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, उसके बाद आरबीआर और उसके बाद लास्ट में आरएफ आता है. दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैलो एल्किन में होता है. अभी हम एग्जाम्पल पे जाएंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है और कैसा एग्जाम्पल है. अभी हम एग्जाम्पल में जाएंगे. दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसका एग्जाम्पल देखना है और एग्जाम्पल से हम लोग को पता चल जाएगा कि कैसे कैसे रिएक्शन है. जो पहला वाला एग्जाम्पल है द फर्स्ट एग्जाम्पल ये कुछ ऐसा है. द फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम बता रहे हैं नंबर वन दैट इज रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक्चुअली फर्स्ट एग्जाम्पल में जो आता है नंबर वन में इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप. ठीक है, OH ग्रुप से रिप्लेसमेंट होगा. क्या फॉर्मेशन होता है? दिस इज सिंपली फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल. मतलब जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेसमेंट होगा तो क्या होता है ना, एल्कोहल फॉर्मेशन होता है. इसी का रिएक्शन देखना है. तो पहला एग्जांपल क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप तो फॉर्मेशन क्या होगा, एल्कोहल. हम डायरेक्ट सीधा एग्जांपल इक्वेशन में चले जाते हैं. जो पहले लेना पड़ता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH इन एक्वस मीडियम, ये एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, और नहीं तो इसके साथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मतलब Ag2O इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये ले सकते हैं हम, नहीं तो ये दोनों से ही होगा. तो किसके साथ, डेफिनेटली विद एल्काइल हैलाइड. नाउ आई एम टेकिंग द मेन इक्वेशन, आई एम टेकिंग CH3CH2Br. एवरीबडी नोज दिस इज इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोइथेन. इसके साथ KOH का रिएक्शन हो रहा है एक्वस मीडियम में, एक्यू डॉट मतलब एक्वस. प्रोडक्ट जो होता है दैट इज CH3CH2OH एंड प्लस बाय प्रोडक्ट डेफिनेटली KBr. दिस इज व्हाट
दिस इज एल्कोहल, इसीलिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने बताया था फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। हम लोग इसमें देख सकते हैं कि ये जो ब्रोमीन, ये ब्रोमीन का जो प्लेस है और ये जो OH है, ये OH ब्रोमीन के प्लेस में आ रहा है और ब्रोमीन पोटाशियम के साथ अटैच होके KBr बना रहा है। तो दिस इज सिंपली ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यही मैंने बताया, रिप्लेसमेंट ऑफ बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फॉर्मेशन हो रहा है एल्कोहल। पॉइंट नंबर टू, हम ये सेम रिएक्शन दिखा सकते हैं कैसे, सेम रिएजेंट मतलब आई एम टेकिंग CH3CH2 बियर, सेम रिएजेंट, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, AgOH। ये AgOH कहां से आ रहा है, AgOH एक्चुअली ये जो AgOH है ये कहां से आता है, AgOH जब Ag2O वाटर में हम डालते हैं तो इसमें से AgOH प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। Ag2O वाटर में डालने से सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है, वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्शन करके जो बनाता है दैट इज CH3CH2OH एल्कोहल एज इट इज एंड Ag बियर। मतलब दोनों में फाइनल जो मेन प्रोडक्ट है वो एल्कोहल ही है, बाय प्रोडक्ट डिफरेंट है, मतलब एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करने से एल्कोहल मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कैसे रिप्लेसमेंट होता है। पॉइंट नंबर टू, और यू कैन से एग्जांपल नंबर टू, इसमें हम दिखाएंगे बाय एल्कोक्सी ग्रुप रिप्लेसमेंट ही होगा, बार बार ये वर्ड में नहीं लिख रहा हूं, बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप क्या है ये मैं बताऊंगा, एक्चुअली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। बाय एल्कोक्सी ग्रुप जो फॉर्मेशन होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इथर, मतलब एल्कोक्सी ग्रुप से करेंगे तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ इथर, ठीक है। तो पहला इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था एल्कोहल फॉर्मेशन हुआ, दूसरा इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं इथर फॉर्मेशन हो रहा है। इस रिएक्शन का एक नाम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है विलियमसन इथर सिंथेसिस। इसके बारे में हम लोग एल्कोहल फिनोल इथर चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम लोग जस्ट इसका एक इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। एल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेसमेंट होगा बाय एल्कोक्सी ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ इथर होगा, इसका नाम है विलियमसन इथर सिंथेसिस। तो ये रिएक्शन कैसा है, इस रिएक्शन में जो करना पड़ता है दैट इज एल्कोहोलिक सोडियम और पोटाशियम एल्कोक्साइड लेना पड़ता है। डेफिनेटली यू हैव टू टेक हेलो एल्केन, सपोज आई एम टेकिंग CH3CH2 बियर, ठीक है, उसके साथ हम यूज करेंगे सोडियम इथोक्साइड। इसको हम थोड़ा सा रिएक्शन के लिए हम लोग थोड़ा सा अलग करके लिखेंगे NaOC2HY, मैंने इसको उल्टा करके लिखा रिएक्शन दिखाने के लिए। दिस Na इज सिंपली प्लस और ये माइनस होता है, तो ये हम दिखा है सोडियम इथोक्साइड। ये जो होगा दैट सोडियम इथोक्साइड जो है ये एल्कोहलिक सॉल्यूशन में होगा, जैसे इसमें हम लोगों ने बताया था पोटेशियम एक्वस सॉल्यूशन में, ये होगा एल्कोहलिक सॉल्यूशन में, ये हम लोगों को याद रखना है। तो जब हम सोडियम इथोक्साइड यूज करते हैं इसके प्लेस में हम पोटेशियम इथोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे, जो मिलता है दैट इज CH3CH2O इसके साथ C2H5। तो हम लोग देख सकते हैं और डेफिनेटली एज ए बाय प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट इज NaBr सोडियम ब्रोमाइड। तो व्हाट इज दिस, दिस इज सिंपली इज कॉल्ड इथर, दिस इज सिंपली कॉल्ड इथर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथोक्सी इथेन, ये इथोक्सी इथेन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये एक्चुअली जो है ये CH3CH2 ये पहला पार्ट है और ये जो C2H5 है OC2H5 ये दूसरा पार्ट है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये CH3CH2 पहला पार्ट से अटैच हुआ और OC2H5 दूसरा पार्ट से अटैच हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है एक्चुअली, मतलब ये OC2H5 जो ग्रुप है ये OC2H5 ग्रुप इस कार्बन में आके हीट हो रहा है और ये जो ब्रोमीन है ब्रोमीन निकल के जा रहा है सोडियम के साथ, ठीक है। तो OC2H5 एक्चुअली रिप्लेस हो रहा है ब्रोमीन के प्लेस में, तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग CH3CH2OC2H5, दिस इज जनरल नेम इथर है, इसका IUPAC हम बताएंगे तो इथोक्सी इथेन और बाय प्रोडक्ट सोडियम ब्रोमाइड। तो ये जो रिएक्शन मैंने बताया सोडियम इथोक्साइड से, एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ सोडियम इथोक्साइड इज C2H5ONa, ये सोडियम इथोक्साइड है,
इसको हम रिएक्शन दिखाने के लिए ऐसे करके पहले सोडियम ओ सी टू एच फाइव करके लिखा, दोनों सेम है। सोडियम के प्लेस में हम लोग पोटेशियम भी ले सकते हैं, लेकिन इट शुड बी एल्कोहोलिक सॉल्यूशन, एएलसी, मतलब इसका जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे वो एल्कोहोलिक सॉल्यूशन में बनाएंगे, नहीं तो नी रिएक्शन नहीं होगा। इस मामले में और एक बात है, ऐसा इथर हम लोग सिंथेसिस कर सकते ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से। मतलब व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक टू मोल ऑफ C2H5Br, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, दो मोल लेना है, इसके साथ Ag2O लेना है, Ag2O, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्चुअली ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हीट देना है, हीट देने से जो मिलेगा दैट इज CH3CH2O CH2CH3, ये सेम इथर होगा, ठीक है, और इसके साथ जो होगा दैट इज एज ए बाई प्रोडक्ट 2AgBr। तो हम लोगों ने अभी तक दो रिएक्शन देखा, एक है फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ इथर बाय विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो इसको हम ब्रीफिंग कर देते हैं, एल्काइल हैलाइड सोडियम इथॉक्साइड, नहीं तो पोटेशियम इथॉक्साइड से भी हो सकता है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन होगा डेफिनेटली ये एल्कोहलिक मीडियम में ये सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो जो मिलता है दैट इज इथर, इथॉक्सी इथेन और सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो अभी बात है कि ये जो रिएक्शन है 2C2H5Br प्लस Ag2O हीट, तो ये अलग सेम प्रोडक्ट बनेगा लेकिन अलग रिएजेंट से, दैट इज सिल्वर ऑक्साइड। तो ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से भी हम इथाइल ब्रोमाइड ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो फाइनली व्हाट वी विल गेट इथर CH3CH2O CH2CH3, ओके। तो नाउ वी आर मूविंग टू अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, कि कैसे रिप्लेसमेंट होता है भाया साइनो ग्रुप, रिप्लेसमेंट किससे करना है, साइनो ग्रुप से रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 3 में हम बता रहे हैं बाई साइनो ग्रुप, दिस इज सिंपली साइनो ग्रुप से, जीआर मतलब ग्रुप, साइनो ग्रुप से रिप्लेसमेंट करना है। तो साइनो ग्रुप से रिप्लेसमेंट करने से क्या मिलेगा, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ साइनाइट, और इसका और एक नाम है नाइट्राइल्स, दोनों को सेम नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, नाइट्राइल्स। तो दो मिला, साइनाइड और नाइट्राइल्स, बोथ आर सेम, साइनो ग्रुप से हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे, बाय साइनो ग्रुप रिप्लेसमेंट होगा, क्या मिलेगा, साइनाइड और नाइट्राइल्स, दोनों सेम है। तो भी बात है क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू टेक डेफिनेटली इथाइल आयोडाइड और ब्रोमाइड, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं CH3CH2I, दिस इज सिंपली इथाइल आयोडाइड, इसके साथ KCl, इसका सॉल्यूशन जो बनाना है दैट इज ऑल्सो इन एल्कोहलिक मीडियम। तो इथाइल आयोडाइड के साथ पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन हो रहा है एल्कोहलिक मीडियम में, जो मुझे मिल रहा है दैट इज CH3CH2CN, इथाइल साइनाइड, ठीक है, और साइनोइथेन, और यू कैन से इसका अगर हम IUPAC करते तो दैट इज प्रोपेन नाइट्राइड, प्रोपेन क्यों, क्योंकि इसमें एक कार्बन ज्यादा जा रहा है, प्रोपेन नाइट्राइड। इसके साथ जो मिलेगा दैट इज KI, दिस इज साइनो ग्रुप सिंपली। तो ये रिएक्शन है, मतलब इथाइल आयोडाइड हेलो एल्केन है, इसके साथ एल्कोहलिक केशियन, तो जो मिल रहा है साइनोइथेन प्लस पोटेशियम आयोडाइड KI। इसमें एक बात है, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में दो कार्बन से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, लेकिन एंड में तीन कार्बन मिल रहा है, 1, 2, 3, तो ये तीन कार्बन मिल रहा है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इज गोइंग टू इंक्रीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन प्रोसेस। तो इसको कहते हैं, मैं पहले बताया था, इस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेप अप, नहीं तो इसको कहते हैं ascending of series, ये दोनों रिएक्शन होता है, द फर्स्ट वन इज स्टेप अप एंड ascending of series, मतलब इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग कार्बन से ज्यादा कार्बन एज ए प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 पे जाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें रिप्लेसमेंट किससे होगा, रिप्लेसमेंट होगा विद आइसोसाइनाइड ग्रुप, पहले था साइनो ग्रुप, अभी आइसोसाइनाइड ग्रुप, आइसोसाइनाइड ग्रुप। फॉर्मेशन क्या होगा, डेफिनेटली आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, ये कैसा है हम बता रहे, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड,
इस रिएक्शन को आगे लेके जाने के लिए फर्स्ट आई एम टेकिंग इथाइल ब्रोमाइड CH3 CH2 बियर. इसके साथ जो लेना है दैट इज सिल्वर साइनाइड AgCN एल्कोहलिक सॉल्यूशन. माइंड इट, पहला वाला रिएक्शन में भी एल्कोहलिक सॉल्यूशन था. किस मीडियम में सॉल्यूशन बन रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी AgCN के एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन होगा तो व्हाट वी आर गेटिंग CH3 CH2 CN. सॉरी प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग होगा, CH3 CH2 NC एंड इसके साथ जो होगा दैट इज Ag बियर. इसमें देखना है कि दिस इज NC, मतलब कार्बन के साथ बॉन्ड जो हो रहा है नाइट्रोजन का हो रहा है. तो ये जो है इसका नाम है इथाइल आइसोसाइनाइड. इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथाइल आइसोसायनाइड. ठीक है, तो ये जो इथाइल आइसोसायनाइड है इसमें हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन कार्बन के साथ अटैच है. लेकिन जब साइनाइड के बारे में हम बताया था तो कार्बन के साथ कार्बन का लिंकेज था. तो दिस इज द डिफरेंस. तो अभी इसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है कि पहला वाला जो रिएक्शन था उसमें KCN था एल्कोहलिक सॉल्यूशन, तब प्रोडक्ट बन रहा था साइनाइड. लेकिन जब हम लोगों ने सिल्वर साइनाइड यूज किया एल्कोहलिक मीडियम में, ठीक है, तब प्रोडक्ट जो बन रहा है दैट इज इथाइल आइसोसाइनाइड. मतलब जो बॉन्डिंग हो रहा है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो रहा है, कार्बन के साथ नहीं हो रहा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट रिएक्शन में, नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रिप्लेसमेंट बाई एमिनो ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स. ये कैसा है फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स? एक बड़ा सा रिएक्शन है, इसके बारे में हम बताएंगे कि एमीन्स कैसे फॉर्मेशन होता है. तो एग्जाम्पल नंबर फाइव में रिप्लेसमेंट बाय एमिनो ग्रुप. तो डेफिनेटली एमिनो ग्रुप जब रिप्लेसमेंट होगा तो क्या फॉर्मेशन होगा? एमीन्स फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बाय एमिनो ग्रुप. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स. ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है. क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली फर्स्ट वी हैव टू टेक CH3 CH2 बियर. दिस इज इथाइल ब्रोमाइड. इसके साथ NH3 लेना है, एमोनिया. ठीक है, और ये एल्कोहलिक मीडियम में NH3 लेना है. मतलब एल्काइल हेलो एल्किन के साथ एमोनिया का रिएक्शन होगा इन एल्कोहलिक मीडियम. तो एल्कोहलिक मीडियम में ये लेने से क्या होगा? फर्स्ट वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो मिलेगा C2H5NH2. ठीक है, C2H5NH2 प्लस प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज एज बियर. हम लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का एमोनिया का एक हाइड्रोजन इस इथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो रहा है. एमोनिया में तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इथाइल ग्रुप से रिप्लेस हुआ. तो इसमें हम देख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन के प्लेस में इथाइल ग्रुप है. सो C2H5NH2 फॉर्मेशन हो रहा है एलॉन्ग विथ एज बियर. अभी ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन रुकने वाला नहीं है. सपोज अगर हम लोग ये जो इथाइल ब्रोमाइड है इसको एक्सेस यूज करते हैं तो प्रोडक्ट कुछ अलग होगा. मेरे हाथ में अभी C2H5NH2 है, C2H5NH2. इसके साथ मैंने अनदर मोल ऑफ C2H5Br का रिएक्शन किया. ठीक है, तो फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होगा, ये रुकने वाला नहीं है. इस नाइट्रोजन के साथ जितना हाइड्रोजन है ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर गोइंग टू रिप्लेस्ड बाई दिस इथाइल ग्रुप. ठीक है, कैसे? जब हम इथाइल ब्रोमाइड एक्सेस लेंगे तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट प्रोडक्ट? C2H5 होल 2, इसके साथ NH आ जाएगा प्लस HBr. हम देख सकते हैं कि पहले दो हाइड्रोजन था उसमें से एक रिप्लेस हो गया, अभी दो C2H5 है. फर्दर सेम टू सेम रिएक्शन प्रोसीड होगा C2H5 होल 2 NH के साथ अनदर मोल ऑफ C2H5Br का रिएक्शन किया तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट इज C2H5 होल 3 N एंड HBr. मतलब हम लोगों ने स्टार्ट किया था NH3 से, NH3 से धीरे धीरे C2H5Br ज्यादा यूज किया तो इसमें क्या हो रहा है? हर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है इथाइल ग्रुप से, तो फाइनली मिला C2H5NH2, फिर और एक रिप्लेस हो गया C2H5 होल 2 NH एंड फाइनली C2H5 होल 3 N. ठीक है, तो ये रिएक्शन अभी इसमें भी नहीं रुकेगा, इसका फर्दर प्रोसीडिंग होगा. अगर मीडियम में और एक मोल इथाइल ब्रोमाइड है तो ये फर्दर रिएक्शन होगा. हम इसको दिखाते हैं कैसे ये रिएक्शन कैरी आउट होता है. हमारे पास अभी C2H5 होल 3 N है,
इसके साथ अनदर मोल ऑफ C2H5 बियर रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज C2H5 होल 4 एन प्लस एंड फाइनली बाहर में बियर माइनस. व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट. इसको कहते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट. ये क्या है? क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट. ये क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है. ये इंटर रिएक्शन मतलब स्टार्टिंग से जो मैंने दिखाया कि पहले C2H5 बियर के साथ अमोनिया, पहले एक नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, उसके बाद दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तीन हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ एंड फाइनली नाइट्रोजन का इसमें जो लोन पेयर था वो भी इथाइल ग्रुप से रिप्लेस होके C2H5 होल 4 एन प्लस बियर माइनस क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ. ये बहुत ही एक फेमस नेम रिएक्शन है. इस रिएक्शन का नाम है हॉपमैन एमोनोलिसिस रिएक्शन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नेम रिएक्शन है, हॉपमैन एमोनोलिसिस रिएक्शन. तो आज मेरा लेक्चर में इतना ही तक. ये अभी खत्म नहीं हुआ, इससे छोड़ के भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे. थैंक यू वेरी मच.